गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये जो चैनल महिला विश्वविद्यालय के लिए, महिला के उत्थान के लिए, सहकारी आंदोलन बनाने के लिए अपनी तरफ से पुरजोर प्रयास कर रहा है, और मैंने पहले बताया कि महिला विश्वविद्यालय NCR क्षेत्र में बनाया जाना है। 20 करोड़ की सघन आबादी वाला क्षेत्र, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद विधायक, यह आवाज महेंद्रगढ़ विधायक अपने विधानसभा में, और सूरजगढ़ विधायक अपने राजस्थान विधानसभा में भी इसको पुरजोर से उठाए। ये बिल्कुल ठीक किनारे पर बनना है, डालनवास और कोहड़वास, जो हरियाणा और राजस्थान की सीमावर्ती गांव है, अरावली की गोद में बसे गांव। ये प्रयास जब फलीभूत होगा तो उन गांव की कायाकल्प हो जाएगी, उनकी पहचान बन जाएगी और राजनेताओं के लिए, राजनीति के लिए वरदान बन जाएगी। लंबे समय तक चलती बातें अपनी बनाने वालों की भीड़ है, कोई कमी नहीं है देश में। हम सहकारी आंदोलन को भूल रहे हैं और यही हमारी भूल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विधिक की मैं बात करूँगा, लीगल सर्विसेज की भी, और सुरक्षा, सभी क्षेत्र में सहकारी और समाज से दूर जाना उचित नहीं है। सामाजिकता बढ़े, हर क्षेत्र में नैतिकता बढ़े, और इस चीज के लिए स्वयं को जागना होगा। किसी व्यक्ति को बड़ा मानना कि ये दायित्व उसका है, ये वो लोग साथ आएंगे, हम इसको बुरा नहीं माने, जहाँ से शुरू हो जाए। मैंने आज ये भी मैं इसके साथ साथ कहूँगा, विधायक को सांसदों और कॉरपोरेट से, कल राहुल बजाज जी जो उनका देहांत हुआ तो कुछ उनके लिए दो बातें एक और लिखी हुई थी, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी अपनी तरफ से कहें। सिर्फ एशिया में सबसे रिचेस्ट बन गया, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट बन गया, ये बातें नहीं भैया। इस तरह की बातों में आप कैसे रिचेस्ट बनते हो, आप भगवान करे वर्ल्ड के 80% दौलत आपकी हो जाए, कम से कम हमें भारतीय होने का फख्र होगा। पर इस तरह की बातों के लिए कोई एक आध तो आ गया है। पहले मुझे याद है जब रोहतक और हिसार में जाट शिक्षण संस्था बनती थी, जो बनी थी, जो अभी भी संचालित हैं, तो सेठ छाजूराम जी रखपुर वाले और सर छोटू राम जी, उनको समाज काफ़ी बड़ा मजबूत और सशक्त नेता स्वीकार करता था, आस्था रखता था, उनको अपना अगुवा मानता था, क्योंकि उसी हैसियत से उनका निर्माण, उनका योगदान भी था। चुगली की सारी राजनीति करने वाले नेताओं को मैं ललकार रहा हूँ, खबरदार, बेशर्म कहेंगे तुम्हारे मुंह से अभी तक एक शब्द नहीं निकला है, जाते हो धर्म की आग बोलने वालों को। इसमें सभी धर्म और जाति, देश विदेश और प्रदेश की बेटियां पढ़ेंगी, इनको शर्म आती है। भले काम की कहते हुए, भले काम की सोचते और भला काम करते हुए माननीय महिला आयोग, जो देश में बड़ी संख्या में कार्यरत हैं, दिल्ली में भी है, राज्यों में, केंद्र में भी है, और महिला निगमों, महिला बाल विकास,
विभाग और उनके मंत्री साहिबान से मैं कह रहा हूँ। बहुत दिन से चल रही बात महिला विश्वविद्यालय, और ये भी कहा था इस विश्वविद्यालय के लिए 21 लाख रुपये इस परिवार ने सबसे पहले बोल रखे हैं जो अगुवाई कर रहा है। बाकी अन्य जो जुड़े लोग और ये कहते हैं हम इसके लिए कार्य करते हैं, NGO चलाते हैं, 2% आजकल वैसे भी इनके लाभांश देने का नियम है, सभी डालनवास और कुहाड़वास दोनों की बात वहाँ पहुँचे हैं। कुहाड़वास सरपंच के पास महिलाओं से मैंने आह्वान किया था जिनका पेट पलना है, इससे मैं जो अजमैन कहना चाहता हूँ स्पष्ट भाषा में, जब संस्थान बनता तो पेट पालने वाले भीड़ आते हैं, गिड़ आते हैं कि हमें रख लो हमें रख लो, कहते हैं फल वो खाए जिसने उसको पेड़ को सींचा, ये संस्कृति में विकसित करनी पड़ेगी। मैं ये बता देना चाहता हूँ महिलाओं को भी कि वो जल्दी आ जाए, लाभ उन्हीं को दिया जाए, उन्हीं को नियोजित किया जाए जो उस गड्ढ को उस किले का निर्माण करेंगे, उस फल को भी वही खाएंगे और वहाँ की जनता भी खाएगी। मैं सबसे पहले कुहाड़वास ग्राम पंचायत और उसके क्षेत्र के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जगह समझदार बने, चुगल समाज को मारें, चुगलिया संस्कृति को मारें, वो गंदे लोगों के प्रतिनिधि होते हैं जो राजतंत्र की व्यवस्था में चुगली के लिए छोड़े जाते थे कि हमें व्यक्ति पढ़ा रहा है, लोगों को सजग बना रहा है, उसके खिलाफ राजतंत्र व्यवस्था में कार्यवाही की जाती थी। वैसे शिक्षकों को उत्पीड़न सहना पड़ा था, तो राजतंत्री व्यवस्था हमें जारी नहीं रखनी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ वहाँ की विशेष रूप से जहाँ भी बनेगा कुहाड़वा से डालनवा से अन्य किसी काम में, मैं ये भी कहना चाहता हूँ अगर को और भी सज्जन ग्राम पंचायत अगर आगे आना चाहे 2 लाख सरपंच साहिबान से मैं कहूँगा अगर कोई भी कभी हमारे यहाँ बनेगा हम ये चीज़ डोनेट कर रहे हैं वहाँ क्यों बना रहे, हम उस चीज़ के लिए डिबेट करने को तैयार, परंतु लोग आगे हैं। और जो जो सांसद से मैं कहूँगा जो स्वयं शिक्षण संस्थान चलाने का अनुभव रखते हैं नरेंद्र खीचड़, सिर्फ यो उत्पीड़न के मामलों को संसद में जोर से चिल्ला कर न बोला जाए, एक सम्मानित और सुरक्षित समाज का निर्माण हो रहा है, सिर्फ हमारे नेताओं की चाल बन पड़ी है, कहीं कोई इस तरह कांड हो तो पुलिस कार्रवाई करे बर्बरता के साथ उनको रगड़े अपराधियों को। नेताओं को जमावड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, उनका दहन पुलिस करती है। और इसके लिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारे हिंदुस्तान में ईश्वरीय उपस्थिति बहुत मानी जाती है, आस्तिक समाज अनेक धर्मों का उद्भव भी यहीं से हुआ, महात्मा बुद्ध जी, हिंदू समाज, इस्लामीकरण का काफ़ी प्रसार हुआ है, मैं बांग्लादेश से लाहौर तक बात करूँ तो कम पला बड़ा नहीं, जैनिज्म और यहाँ तक क्रिश्चियन, कई राज्य आज भी ईसा मसीह के आदर्शों को मानते हैं, उनमें आबादी कई राज्यों में इस तरह की आबादी की बहुलता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ईश्वर हर चीज़ का एक न्यायशाला है, अच्छे को अच्छा लाभ मिलेगा। तो आप इस पवित्र कार्य के लिए जी जान से जुड़ जाएं, हम उन चेहरों को देखना चाहते हैं, पहले अच्छा सोचना फिर अच्छा बोलना फिर अच्छा करना। आजकल तो चैनल ने नारा दिया है अच्छा सोचो अच्छा बोलो और अच्छा करो, आज का मैं सुबह मॉर्निंग में यही स्लोगन दिया है सभी के साथियों से साझा किया है श्रोताओं से, थिंक गुड स्पीक गुड एंड डू गुड आज का ये नारा है। और ये सभी से मेरी पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बड़ों से छोटे बच्चों को आदेशात्मक भाषा में मैं कहने का रखूँगा भाव
कि इस करीम जीजन से जुड़ जाए। सहकारी आंदोलन देश की जरूरत है, शिक्षा स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में दिया आपको आगे बढ़ना है, तो सहकारिता बढ़ाना एक परम आवश्यकता, वही समाज को समृद्ध कर पाएगा। धन्यवाद।